जय जीवतानी। शहर कार्यक्रम से मैं कामिनी खन्ना एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा तारीख 20 सितंबर 2021 से लेकर तारीख 26 सितंबर 2021 तक का है। पिछले हफ्ते सूर्य कन्या में प्रवेश कर गए थे और इस हफ्ते बुध तुला में प्रवेश कर जाएंगे 22 तारीख को। श्राद्ध शुरू हो जाएंगे 21 तारीख को। तो जिन जिनको भी श्राद्ध करना है वो 20 तारीख को जो पूर्णमासी का श्राद्ध है वहीं से शुरू कर सकते हैं श्राद्ध। और आइए चलिए हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है सूर्य के कन्या में जाने से और बुध के तुला में जाने से। मेष राशि, सूर्य कन्या में आए तो विदेश रिलेटेड काम, लोन्स वगैरह खुले। बुध तुला में गए तो विवाहित जीवन से सपोर्ट, व्यावसायिक पार्टनर से सपोर्ट मिला और व्यवसाय बढ़ा। वृषभ राशि, सूर्य कन्या में आए तो बच्चों की पढ़ाई, अपनी पढ़ाई, अध्ययन, इन पर आपका प्रभुत्व बढ़ा। बुध तुला में आए तो आपको अपने लोन्स वगैरह खुले, व्यवसायिक पार्टनर के साथ आगे काम करने की, विदेश रिलेटेड काम करने के लिए लोन्स वगैरह लेने की जो चिंता थी वो अब दूर होगी और पैसे आपके पास आ सकते हैं। मिथुन राशि, तुला में बुध का प्रवेश आपकी बुद्धिमानी का द्योतक होगा। आपकी पढ़ाई, अध्ययन अच्छे होंगे और आप एक बेहतर स्थिति में आएंगे घरेलू परेशानियों को लेकर भी। और बुध जो कन्या में आए तो आपके रेनोवेशन वगैरह सुचारू रूप से हो जाएंगे, माता पक्ष से सहयोग। कर्क राशि, आपके लिए बुध का तुला राशि में प्रवेश शुभ रहेगा। घर में सुख शांति और सुखों की वर्षा होगी। आपके कुछ माता पक्ष से काम थे तो वो हो जाएंगे, उनकी तबीयत अच्छी रहेगी। आपके कुछ यात्राएं चलने वाली थी तो अब सूर्य आपके तृतीय भाव में पधार कर यात्राओं में आपको लाभ देंगे, छोटे भाई बहनों से लाभ होगा। सिंह राशि, परिवार से सपोर्ट, वाणी में ओज, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, सिंगिंग या नेतागिरी, अभिनेतागिरी से पैसे आना, आपके पराक्रम बढ़ना, उत्साह, उमंग, व्यवसायिक तौर पर बढ़ना और व्यवसाय का अच्छा होना। कन्या राशि, लग्न में सूर्य प्रकाश आपके लग्न पर तो पर्सनालिटी में इजाफा, आपका आकर्षण, मीडिया से रिलेटेड काम आपके बनेंगे। तुला का बुध कहता है कि व्यवसाय में सपोर्ट, परिवार का पैसे भी आएंगे और आपकी वाणी में ओज रहेगा। तुला राशि, लग्न में बुध आपको व्यवसायी बनाते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं, तेजस्वी बनाते हैं और सूर्य आपके विदेश रिलेटेड काम बनाते हैं, प्रेम संबंधों से फायदा दिलाते हैं और उत्तम प्रकार के खर्च कराते हैं काम में। वृश्चिक राशि, आपके अचानक से धन लाभ में वृद्धि, कोई सरकारी दरबारी काम बनेंगे, कुछ ऐसे काम जिनमें आपकी पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद या कोर्ट केसेस वगैरह हैं तो वो भी सॉर्टेड होंगे और विदेश रिलेटेड काम बन सकते हैं। धनुराशि, धनुराशि के लिए अचानक से कार्यों में इजाफा, कोई ओहदा, नौकरी के लिए आपने अगर अप्लाई किया हुआ है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आप कर सकते हैं एक और काम भी पिता से सहयोग मिलने पर कि आपको अगर नेतागिरी, अभिनेतागिरी में प्रवेश करना है तो चलिए करिए और आपके बुद्धिमानी से और चतुराई से, विवाहित जीवन के सपोर्ट से और पिता के सहयोग से पैसे आएंगे। मकर राशि, आपके लिए कुछ अच्छे इन दिनों ऑफर्स जो सरकारी दरबारी ऑफिसों से, जिनको ऑफिसों से थे, जिनको आपको मिस नहीं करना है। आपके कुछ व्यवसायिक पार्टनर आपका साथ देंगे, आपके पिता सहयोग देंगे और आपका व्यवसाय भी बढ़ेगा। आपके जो व्यवसाय किया था उससे अब पैसा भी आएगा और लोन्स वगैरह भी मिल सकते हैं। कुंभ राशि, आपके लिए अब थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत विवाहित जीवन के मामलों को लेकर या व्यवसायिक पार्टनर के मामलों को लेकर, फिर भी वो आपको सपोर्ट करने ही वाले हैं और आपके कुछ काम बनेंगे, लेकिन आपको सावधानी से अपना पैसा बरतना है, तबीयत आपकी अच्छी रहेगी। मीन राशि, आपके लिए अब विवाहित जीवन के सपोर्ट भी रहेंगे और आपके लग्न पर सूर्य की दृष्टि के कारण आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता नजर आएगा, अपना इजाफा लगेगा कि कॉन्फिडेंस का इतना ज़्यादा कि आप कोई भी सरकारी दरबारी काम करने के लिए, कोई नौकरी के लिए मतलब आवेदन भरने के लिए भी मेंटली तैयार हो जाएंगे। आपको लोग सपोर्ट करेंगे, विवाहित जीवन का भी सपोर्ट मिलेगा, छोटे भाई बहनों का भी सपोर्ट मिलेगा और साथ साथ में आपके व्यवसाय बढ़ते नजर आते हैं मुझे। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर प्रभाव, सूर्य का कन्या में प्रवेश, बुध का तुला में प्रवेश, इन दोनों ग्रहों का। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि फल देकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।
अगर आप डीप जानकारी चाहते हैं ग्रहों की, स्पिरिचुअली जानकारी चाहते हैं, मोटिवेशनल लेक्चर सुनना चाहते हैं, अच्छे अच्छे भजन सुनना चाहते हैं, तो ज़रूर सुनिए मेरा शो ओनली ऑन बिग FM सुबह 6 से 7, जिसका नाम है सहर। मैं बोलूंगी उसमें, मैं यानी कामिनी खन्ना।